हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कक्षा 9th का यहाँ पर दे दिया गया संस्कृत का हुबहू यही प्रश्न, वायरल प्रश्न पत्र है जो आपके एग्जाम में कल रहेगा। 105 विषय कोड है और 1 घंटा 30 मिनट का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा, ठीक है। ये हुबहू यही क्वेश्चन प्रश्न पत्र रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9th की मासिक परीक्षा सितंबर 2023 में यही प्रश्न रहेगा। 50 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और आपको बना लेना है 1 घंटा 30 मिनट में। चलिए हम क्वेश्चन को पूरा पूरा बता देते हैं। संस्कृत का ये वायरल प्रश्न पत्र है और देखिए यहाँ पर दिया गया प्रश्न 1 से लेकर 30 तक का प्रश्न रहेगा। इसमें 4 विकल्प दिए रहेंगे और एक विकल्प आपका सही चूज करके आपको ओमर शीट पर ब्लैक या फिर ब्लू पेन से आपको चिन्हित कर देना है। और यहाँ पर 25 नंबर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में रहेंगे और 25 नंबर सब्जेक्टिव में रहेंगे। चलिए प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया गया है और जल्दी से आप लोग नया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सभी चीज़ मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखिए दिया गया कि संसार किससे ढका है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया कि संसार जो है किससे ढका हुआ है, तो है अज्ञान से, यानी कि पहला का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। दो नंबर प्रश्न देखिए ज्ञान क्या है, तो ज्ञान क्या है तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सर्व सुखमय हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर प्रश्न देखिए यक्ष युधिष्ठिर संवाद के रचनाकार हैं, तो देखिए 3 का राइट आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर सी व्यास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर प्रश्न की उपनिषद किसके विचार प्रकट करते हैं, उपनिषद जो है वो देवताओं का विचार प्रकट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया कि भोजपुर मंडल में कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा 5 का ऑप्शन नंबर ए जट जटीन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। चलिए 6 नंबर लिख लीजिए आप लोग कॉपी कलम लेकर, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन दिया कि नाटक को कौन सा वेद माना जाता है, तो इसका याद रखना पंचम वेद माना जाता है। चलिए 6 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और यहाँ पर देखिए आपसे 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, हम 30 का 30 प्रश्न आपको बताएंगे, कोनो जाकर 25 क्वेश्चन बना के लेकर चले आइएगा कल, ठीक है। अब हूबहू यही प्रश्न पत्र रहेगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि 100% 110% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो आप लोग इस पर विश्वास कर सकते हैं। चलिए देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए मिट्टी से निर्मित हाथी घोड़े की मूर्तियों को कहाँ रखा जाता है, तो देखिए इसका मंडल के अंदर यानी कि मंडप के अंदर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर देखिए दिया गया है कि पंचन्य शब्द का अर्थ क्या होगा, चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरसने वाला मेघ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि स्वयं न डैश फलंती वृक्षा खाली स्थान में क्या होगा, तो देखिए 9 का राइट आंसर हो जाएगा खदंती, देखिए स्वयं न खदंती फलानी वृक्षा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चारुतरण वसंते किसने कहा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हो जाएगा कालिदास ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि पर्यावरणम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परी प्लस आवरणम, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गीता में किसके विचार हैं, तो गीता में किसके विचार हैं, तो हो जाएगा कृष्ण का विचार है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पंचतंत्र में कितने भागों में विभक्ति है, तो 5 भागों में विभक्ति है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 13 का। आप लोग जल्दी से लाइक कीजिए, लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक में कंजूसी करते हैं, हम लोग इतना मेहनत करते हैं आपके लिए, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना आप लोगों को, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो 13 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया गया कि पठितुआ में कौन सा प्रत्यय है, तो पठितुआ में हो जाएगा कतवा प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, कतवा प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पदेन खिजा में कौन किस सूत्र का प्रयोग किया हुआ है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, या ना बिकार ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, देखिए हम लोग बहुत ही जल्दी फास्ट में क्वेश्चन सेट करते हैं कर रहे हैं क्योंकि एक ही दिन सभी 9th, 10th, 11th और 12th और दो दो सिटिंग में कर दिया है, इसलिए थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन आप लोग टेंशन ना लीजिए, सभी विषय आपको करा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखिए नैना में कौन सी संधि है, तो नैना में कौन सी संधि है, तो हो जाएगा यादि संधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 17 नंबर क्वेश्चन की लताभ्याम तृतीय के किस वचन में है, तो लताभ्याम दिया गया, तो बहुवचन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 17 का। 18 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि जट जटीन किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा मिथिला, ऑप्शन नंबर 18 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि अस धातु में लट लकार के प्रथम पुरुष द्विवचन क्या है, तो जाएगा अस्था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नयावस्यत का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए 20 का राइट आंसर क्या होगा, तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नी प्लस अवस्यत, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कुरुतः धातु पूछा जा रहा है कि कुर्ता का धातु क्या होगा, क्या है, तो हो जाएगा क्री, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया है कि नदम्बु में कौन सी संधि है, तो जाएगा यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यण संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उपनगरम में कौन सी समास है, तो जाएगा अव्ययी भाव समास, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न देखिए दिया गया है कि सह मंद मंद चलंती
तो क्या होगा, तो इसका राइट आंसर इसमें मंद मंद क्या है, तो मंद मंद जो है इसका क्या है, तो 24 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्रिया विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी, मतलब मंद मंद चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्राचीन तरह में कौन सा तदित प्रत्यय है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ताप, ठीक है ताप प्रत्यय। चलिए ऑप्शन नंबर बी मारना है 25 का। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपको 25 ही क्वेश्चन बनाना है, मैं ए टू जेड क्वेश्चन बनाऊंगा आपको, ठीक है तो जो मन करेगा वो बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 दिया गया कि श्री में कौन सी संधि है, तो दीर्घ संधि है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दृष्टम में कौन सी तदित है, चलिए तो 27 का क्या होगा, तो 27 का याद रखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तमप है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि संस्कृत में दीर्घ स्वर कितने हैं, तो संस्कृत में दीर्घ स्वर 7 है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 29 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि राजपुत्रा में कौन सा समास है, तो राजपुत्रा में कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुष समास, तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, किस समास का प्रथम पद अव्ययी होता है, तो किस समास का, तो होता है अव्ययी भाव समास का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और बनाकर सब चीज समझा जाएगा। तो देखिए इसका क्वेश्चन पेपर आप लोग कैसे डाउनलोड करेंगे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, वहां से जाकर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम का ग्रुप दिया है तो उसमें ज्वाइन कर लेना है, और वहां पर हर एक प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा जब भी वीडियो अपलोड होगा जिस भी एग्जाम का, तो आप लोग वहां से देखकर देख लीजिएगा वीडियो, और आप लोग अपना एग्जाम में जाकर दे दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जो एग्जाम हो रहा है इसमें सभी विद्यार्थी को पास हो जाना है, ठीक है, इसमें फेल नहीं करना है, नहीं तो आगे का एग्जाम जो है नहीं दिया जाएगा, नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, शेयर करके बेल वाला आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि आने वाला हर वीडियो आपके पास जाए। और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है ये देखिए 6270 3280, इस पर मैसेज कर देना, हाई लिखकर मैं व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दूंगा, और नहीं तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट ज्वाइन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि अभी बहुत सारे विद्यार्थी मैसेज कर रहे हैं तो हम किसका किसका रिप्लाई दे या फिर वीडियो बनाई से दिक्कत हो जाती है, तो आप लोग डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद, मिलते हैं।